हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम 24 पैसन ऑफ लर्निंग। आज है 24 सितंबर 2019 और 24 सितंबर 2019 के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए हों वो लोग चैनल सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2019 में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो चल रहा है हमारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2019, उसमें रजत पदक किसने जीता है। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित पंघाल जो हैं यह अभी जीते हैं रजत पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2019 में इन्होंने रजत पदक जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी अवार्ड 2019 में किसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हासिल हुआ है? क्या क्वेश्चन है? एमी अवार्ड 2019 में किसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हासिल हुआ है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें किस मूवी को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हासिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेम ऑफ थ्रोन्स, जो हॉलीवुड की मूवी है, यह हॉलीवुड की मूवी है, इसको जो है मिला है एमी अवार्ड्स। ओके फ्रेंड्स, इसे एमी अवार्ड्स 2019 में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हासिल हुआ है। इसका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, अमेरिका में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूस्टन। ह्यूस्टन यहाँ जो है हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ मोदी जी संबोधित कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत के किस स्थान से ई बीट बुक नामक सुविधा आरंभ की? देखिए, मैंने कल बताया था कि ई बीट बुक लॉन्च किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। यह कहाँ लॉन्च किया गया है आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। ओके, चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए किस तारीख की घोषणा की है? आपको इसका बताना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसके लिए कौन सी डेट की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की ओर से 92वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? आपको बताना है कि भारत की ओर से 92वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गली बॉय। गली बॉय जो है 92 में ऑस्कर के लिए यह नामित की गई है। यह किसका मूवी है? रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की यह मूवी है। ओके फ्रेंड्स, यह 92 ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आज का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में हुई GST काउंसलिंग की बैठक में होटलों के कमरों पर GST दर 18% से कम करके कितना परसेंट कर दिया गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कितना परसेंट कम कर दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6% जो है आपका कम कर दिया गया है, इसका 18 से अब 12% कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक को हाल ही में ब्रिटेन में 21वीं सदी के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय गायक कौन है
जो ब्रिटेन के 21वीं सदी के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोनू निगम को यह पहली बार जो है आइकन अवार्ड, सदी के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनू निगम जो है गायक हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो पसंद आई हो आपको तो एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।